ठियोग में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। केलवी पंचायत के सारा मैदान में पिछले 15 दिनों से आयोजित इस प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें ठियोग सहित शिमला की पंचायतों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कोऑपरेटिव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक केशव चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर केलवी पंचायत के प्रधान कमलेश शर्मा भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला स्थानीय पंचायत गड़ा कुफर और कंडियाली के मध्य हुआ और जिसमें गड़ा कुफर ने आसानी से 3 ओवर रहते जीत हासिल की और 1 लाख की इनामी राशि पर कब्जा जमाया। इस दौरान विजेता रही टीमों और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्रदान किए और युवाओं को नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में फैला नशे का कारोबार अब देश में पांव पसार रहा है, जिसे हम सभी को बचकर रहना चाहिए। प्रकार के नशे जो हमारे प्रदेश में फैलते जा रहे हैं, हमें उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षित करना होगा, उन्हें मानसिक तौर पर उन्हें समझाना होगा और खासकर सबसे बड़ा जो जरिया है वो है खेल। अगर हमारी युवा पीढ़ी खेल खेल की तरफ ध्यान देगी, जिस प्रकार आपने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहेगी तो हमारी युवा पीढ़ी का ध्यान नशे से हटकर खेलों की तरफ जाएगा, जिससे उनका बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास तो स्वाभाविक है, खेलों से होता ही है। सरकार से भी हम मांग करते हैं, एक प्रधान होने के नाते भी और एक इस समाज का नागरिक होने के नाते भी, कि सरकार अगर नशे को पूर्ण रूप से रोक लगाना चाहती है तो युवाओं को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए खेलों की तरफ विशेष ध्यान दे, खेल मैदानों की तरफ विशेष ध्यान दे, ताकि हमारा युवा नशे से हटकर मैदान की तरफ जाए, उनका ध्यान खेलों की तरफ जाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। आज ये जो हमारा टूर्नामेंट था, इसमें लगभग 600-700 खिलाड़ियों ने भाग लिया और सफल आयोजन समाप्त हुआ और हमारे केशव चौहान जी इसमें आए थे। हमारा मकसद, इस आयोजन का कराने का मकसद था कि जितने भी नौजवान खिलाड़ी हैं आपस में मिलजुल कर रहे और नशे से दूर रहे, इस उद्देश्य से हमने ये मैच कराए थे और आने वाले समय में भी इस तरह का आयोजन और कराया जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ठियोग से सुरेश की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।